हेलो फ्रेंड्स, केम छो? मजा में। विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो में जोवाना छे धोरण 9 हिंदी नू प्रथम परीक्षा माटेनू मोस्ट इम्पोर्टंट मॉडल पेपर। विद्यार्थी मित्रों, आ पेपर बहुत इम्पोर्टंट छे, नमूनानू प्रश्नपत्र छे, ब्लूप्रिंटनू पेपर छे, तमारी परीक्षा माटे बहुज अगत्यनू छे। साथे साथे आपणे ए पण जोईशुं के आमांथी जे क्वेश्चन छे कया प्रकारना पूछाई शके तमारा माटे। तो वीडियो पूरेपूरो जोजो, अने विद्यार्थी मित्रों, खास जो तमे हजु पण चेनलने सब्सक्राइब नथी करी तो चेनलने सब्सक्राइब करी लो, कारण के तमने फुल्ली सपोर्ट मळवानो छे। धोरण 9, 10, 11, 12 तो चैनल ने सब्सक्राइब करो। आने विद्यार्थी मित्रों, खास नीचे एक तमने लिंक मळशे jigarsar.in, अथवा तमे गूगल पर सर्च करो अवर जिगरसर तो आपणी वेबसाइट तमने मळी जशे। अने ए वेबसाइट उपर तमने एक जॉइन अस मतलब सोशल मीडिया उपर जॉइन थवा माटेनी एक लिंक पण मळशे, जेमां तमे व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम उपर जॉइन थई शकशो। अने ए वेबसाइट उपर तमारा माटे पण घणी बधी इम्पोर्टंट माहिती मळती रहेशे, तो जरूरथी सेव करीने राखजो। विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला छे विभाग ए गद्य विभाग। तो गद्य विभाग में सौथी पहला क्वेश्चन छे, ब्राह्मण देवता मैं आपको खाली जगह का अवसर देता हूँ, तो अहीं जवाब आवशे न्याय। त्यारबाद प्रियव्रत राय खाली जगह में पड़ता है, तो जवाब आवशे मैट्रिक। हवे जो आ प्रकारना क्वेश्चन हो, तमे एक वक्त चैप्टर्स वाँची लो एटले तमने इजीली याद रही जाए, बराबर, स्टोरिकल हो याद रही जाए, एकदम सहेलू छे। गद्य विभाग में फक्त गद्यना ज प्रश्नों हशे। त्यारबाद सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए, मतलब जे विकल्पो छे एमांथी आपणे पसंद करवानुं छे। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, इसका अर्थ क्या है? मतलब अर्थ है, ओके, अर्थ क्या है नहीं, बट अर्थ है। तो जवाब आवशे सी, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। रानी का मन कहता था कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। त्यारबाद नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित प्रश्न का एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है, बराबर। मतलब रियलिटी में एक्चुअली छे, बट आई एम श्योर तमे ऑनेस्ट छो अने हूँ पण ऑनेस्ट छू, ओके, अने ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन छे, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो जो आ क्वेश्चन है, बराबर, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था, तमे वाँची सको। एक्चुअली शू दरेके दरेक क्वेश्चन वाँचवा जाइसु तो तमारो टाइम बगड़शे अने आ वीडियो लॉन्ग बनशे। त्यारबाद 8मो क्वेश्चन छे, ओके, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? एम तमने जोईने लागे कि बद्यनो हशे पण गद्यनो होजे, ओके, आ आंसर आवशे। त्यारबाद 5-6 वाक्य में प्रश्नों जवाब लखवाना छे, आ प्रकारना क्वेश्चन पूछाशे। 9मो क्वेश्चन छे, तमे स्क्रीनशॉट पाड़ी सको छो, अथवा मां लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे, मतलब एक ज क्वेश्चन छे, बे मांथी एक लखवानो रहेशे। त्यारबाद पद्य विभाग सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह छे, टूंक में दुर्बलों के खाली जगह, पौरुष एक्चुअली आवशे अहींया, पौरुष की साधना तो रक्षणार्थ। त्यारबाद खाली जगह चाह नहीं अपनी कोई पहचान नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई पहचान नहीं। त्यारबाद निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, जबरदस्त कविता है, ओके। त्यारबाद एक एक वाक्य में उत्तर, सूर धन्य क्यों हुए? तो सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो जवाब तुम्हें वाँची सको जो, वे थोड़ी खुशी, थोड़ी बहु बड़ी चिंताओं, बराबर, मतलब वाँची लेजो, बहु मतलब रसप्रद छे, बधुं सीखवा जेवुं छे एक्चुअली। त्यारबाद सूरदास छेरी एटले के बकरी दूहने की जरूरत क्यों नहीं समझते? तो तमे जोई शको छो आंसर छे, ओके। त्यारबाद 5-6 वाक्यों में प्रश्नों जवाब छे। 17मो क्वेश्चन, गुप्तजी ने भारत के गौरव का वर्णन किस तरह किया है? आ क्वेश्चन आंसर छे। त्यारबाद सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? तो आंसर छे। त्यारबाद विभाग सी व्याकरण विभाग, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, रात दिन एक करना,
तो एनो मतलब एम थे भाई बहुज मेहनत करी, कड़ी मेहनत करना, ठीक है। मतलब मैंने यह वीडियो बनाने में रात दिन एक कर दिए, तमें गमे ते लखी सको बराबर, कि भाई ये पेपर लखने में अथवा यह पेपर की तैयारी करने में मैंने रात दिन एक कर दिया, भले पची एक कलाके ना वाँचू है। त्यार बाद कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जारे कोई ना कहीं काम न करव हो त्यारे कोई ने कोई बहानु मड़ी जाए, एम कहवा माँगे बराबर। त्यारबाद व्याकरण विभाग में है निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कीजिए, तुम वाँची सको, जो तुम्हारी स्कूल कहाँ है तो कहाँ पर है। निम्नलिखित शब्द का विरोधी ईमानदार तो बेईमान। त्यारबाद निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची अतिथि तो मेहमान, मेहमान। त्यारबाद शब्द समूह धर्म से डरने वाला धर्म भीरू। त्यारबाद निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग दीजिए पराजय तो परा उपसर्ग। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा बताइए, रमेश में मानवता है तो मानवताओं से भाववाचक। त्यारबाद कर्तुवाचक संज्ञा बताइए, धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी है तो खिलाड़ी आवश्यक। निम्नलिखित विशेषण बताइए, गांधी जी सबसे पूजनीय है तो पूजनीय विशेषण आवश्यक। त्यारबाद लेखन विभाग है जेम अँ फकरो आपेलो है, फकरा में क्वेश्चन आंसर आपना है, एकदम ईजी है बराबर, कहीं अघरू है नहीं, तो अँ आंसर जो क्वेश्चन है तब पॉज कर वाँची लो। त्यारबाद नेक्स्ट है वार्ता, मतलब स्टोरी कहानी लखवानी है बराबर। एक जमीनदार हो जेना बदा नौकर हो पछी एना पैसा मतलब कमाणी घटवा लागे, आमदनी घटवा लागे, भले पछी कोई मारा जेवो मित्र के तमारा जेवो मित्र सलाह आपे छे एना ऊपर स्टोरी है, तमे वाँची सको छो, ऑनलाइन ज लीधेली है बराबर। ओके, कारण के थोड़ी स्पीड में काम करवू एटले बराबर। सीख शू है भाई, हमेशा अपना काम खुद करो, किसी और के ऊपर भरोसा मत करो बराबर। त्यारबाद पत्रलेखन है, पत्रलेखन नहीं लख्यो अँ अथवा में है, तमे वार्ता लखी सको, पत्रलेखन लखवो हो तो तमने कदाच मळी जशे इंटरनेट ऊपर। पछी निबंध है, तो निबंध में मेरा प्रिय त्यौहार मोस्ट इम्पोर्टंट। हवे जो आमा निबंध खास पूछाशे बराबर, आ त्रण निबंध करी ज लेजो, एमांथी ज एक हशे 90% एक हशे, आई थिंक 99% पण कही शकाय बराबर। तो आ निबंध छे, तमे निबंध सर्च करशो ने गूगल पर कोई पण आमांथी तमने मळी जशे, कारण के हिंदी में बहु बधा निबंध ऑलरेडी अवेलेबल छे। पछी मेरा भारत महान अने एना अथवामां छे विद्यार्थी की आत्मकथा, मतलब त्रण छे, त्रणमांथी गमे तेक लखवानो છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું હિન્દીનું પેપર સોલ્યુશન, તમે આઈએમપી માંગતા તો આઈએમપી આ જ છે, આ તૈયાર કરો પહેલાં પછી બધું કરો। ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ।